मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल भंडारा दौरे पर थे और इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मीडिया प्रतिनिधियों को ले जा रही नाव एक चट्टान से टकरा गई और तीन टुकड़ों में बट गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुई है, जिस पर भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतारी ने जानकारी दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिंदे सोमवार को विश्व स्तरीय जल पर्यटन परियोजना के पहले चरण के लिए भूमि पूजन करने भंडारा पहुंचे थे, जहां वैनगंगा नदी में गोसीखुर्द बांध पर यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई और बचाव दल के समय पर पहुंच जाने से एक बड़ी आपदा टल गई है। मुख्यमंत्री शिंदे भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई न्यूज चैनलों की कैमरा यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जल पर्यटन के दौरान मीडिया कवरेज के लिए एक अन्य नाव में मीडिया प्रतिनिधि भी थे, लेकिन जल पर्यटन के दौरान सभी मीडिया कर्मी मुख्यमंत्री की तस्वीर लेने के लिए एक तरफ आ गए, जिससे नाव असंतुलित हो गई। लेकिन वहां मौजूद बचाव दल के जवानों ने तुरंत सभी मीडिया प्रतिनिधियों को पानी से बाहर निकाल लिया। मतानी ने कहा कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और प्रतिनिधि अपनी क्षमता के अनुसार नाव में थे। जे कारदा पुलियावर जे मुख्यमंत्री साहेबांचा जे जल पर्यटनचा भूमिपूजनचा कार्यक्रम होता, नंतर मुख्यमंत्री साहेबांनी ते जल पर्यटनासाठी ते बोटमध्ये ते त्यांच्या टीमसोबत बसले आणि ते दुसऱ्या बोटवर काही मीडिया पर्सनल बसले, ते 14 ते 15 होते। बोटची स्ट्रेंथ पण तसेच होती, पण जे मुख्यमंत्री साहेबांच्या फुटेज घेण्यासाठी ते सगळे जे मीडिया पर्सन आहेत ते एकाच ठिकाणी आले, एकाच साईडवर आले, त्यामुळे ते बोट टिल्ट झाली आणि त्यामुळे ते काही तिथे भगदड झाली आणि रेस्क्यूची टीम जे एनडीआरएफची टीम आहे ते तिथे पोहोचली, त्यांना त्यांनी रेस्क्यू केलं आणि ते परत पण आणले। तिथे काही गैरप्रकार झाला नाही आणि जे बोट होती ते तुटली पण नव्हती, फक्त जे मीडिया पर्सनल ते सगळे एकच साईडला आलेले होते, त्यामुळे ते काही टिल्ट झालेली होती, नंतर ते स्टेबल झाली आणि ते शोरवर आले। साथ ही इस समय बचाव दल के कर्मचारी सुराज भोसले ने घटनास्थल का ब्यौरा दिया, जहां उन्होंने सत्य परिस्थिति दिखाते हुए हादसे की जानकारी दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।